नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? इस जियोलॉजी के शॉर्ट फैक्ट्स वीडियोस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो एमटीपी है, और एमटीपी से भी एक ही सवाल आता है, तो एमटीपी को हम क्या बोल सकते हैं? इंड्यूस एबॉर्शन एमटीपी को बोलते हैं। एमटीपी को क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस जो प्रेगनेंसी है जो 9 मंथ की होती है उसको बीच में ही समाप्त करना, उसको एमटीपीज बोलते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं। मेडिको लीगल केसेस में एमटीपी जन्म से पहले जन्म करा देना, ये आता है कहाँ पर? जैसे कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए हैं, कोई बच्चा विकलांग पैदा होने वाला है, मानसिक है, शारीरिक है, तो वहां पर इसको लीगल अप्रूव किया गया। तो ये होता क्या है? इंटेंशनल मीन इंटेंशनल या वॉलेंट्री, आप अपनी इच्छा से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। 9 महीने पूरे होने के पहले आप इसको अबॉर्ट कराते हैं तो इसको एमटीपी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971। एक सवाल आपका ये रखा हुआ है, कब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था? विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ऐसा नहीं है कि बेबी फुल ग्रोथ कर रहा है और आप इसको एबॉर्शन कराएं, ये लीगल नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज हो रही हैं, जैसे आप एमनियोसिंथेसिस एक टेस्ट है, आप जानते हैं इसको, सब में वीडियोस बनाए गए हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, मालूम होता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी है, वहां पर आप एमटीपी का यूज करेंगे। एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट इन ये 2013 2017 में इस एक्ट को अबेंडेंट किया गया था, ये एक अलग सवाल है। एमटीपी सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक सवाल ये है एमटीपी कितने समय तक सेफ होती है? 9 महीने में 3-3 महीने के 3 जोन बनाए गए हैं, पहले के 3 महीने में, या इसी को कभी कभी एग्जामिनर वीक में पूछ लेता है तो 12 सप्ताह है, और एग्जामिनर एक बात और पूछ ले सकता है, डेज पूछ सकता है, तो आप तो महान है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मालूम है तो वीक निकाल लेंगे, डेज निकाल लेंगे, तो बहुत अच्छा। ये वीडियो आपको उज्ज्वल भविष्य में काम आएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।